अच्छी मूवी है और हर्षवर्धन कपूर ने अच्छी एक्टिंग की, उसका दोस्त है उसने भी अच्छी एक्टिंग की है और सही है, मूवी अच्छी है, ओरिजिनल स्टोरी कहेंगे, सो इट्स अ गुड मूवी। कितना रिलेट कर पाए आप इस फिल्म से? नहीं, रिलेट तो खैर काफ़ी कर पाए, सोशल कॉज के ऊपर सोशल मैसेज भी है मूवी के अंदर, सो इट्स अ गुड मूवी एंड मस्ट वॉच कहेंगे। हर्षवर्धन की बात करी जाए इस फिल्म से उनको देखा जाए तो नए रूप में देखा जाएगा या उनकी लाइफ चेंजिंग फिल्म? लाइफ चेंजिंग करियर चेंजिंग मूवी हो सकती है उनकी, बट डिपेंड करता है कि कैसे इसको प्रमोट, क्योंकि प्रमोट ज़्यादा नहीं किया गया, सो देखते हैं कैसा रिसेप्शन मिलता है इसे। ये जो कॉन्सेप्ट निकाला सुपर हीरो का कैसा लगा? सुपर हीरो अभी इंट्रोड्यूस हुए यू कैन से, अभी तो कोई इसमें ऐसा सुपर हीरो एक्शन नहीं था, ऐसा कोई वो नहीं था, अभी तो एक तरह से ओरिजिनल स्टोरी कह लो, हो सकता है आगे कुछ बने तो फिर पता लगेगा। फिल्म देखने से पहले जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना आप? यू कैन से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा एक्शन होगा, उतना नहीं, थ्रिल अच्छा है, स्टोरी अच्छी है बेसिकली, तो स्टोरी अच्छी है तो इट मोर देन कॉम्पनसेट्स फॉर एवरीथिंग। फैंस को रेफर करेंगे फिल्म देखने के लिए? ऑफकोर्स एक बार तो देखनी चाहिए क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट पे, वरना हमेशा हम देखते हैं एक ही चीज़ बनती है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती गाड़ियाँ उड़ रही है, ज़बरदस्ती का एक्शन है, ऐसा नहीं है, एक रियलिस्टिक व्यू है, एक रियलिस्टिक टेक है कि सुपर हीरो अगर होगा तो कैसा होगा, मुंबई में सुपर हीरो होगा तो ऐसा ही होगा कि वो सड़कों पे भागेगा, उसको ऐसा तो नहीं है वो ब्रूस ली की तरह फाइट करेगा, एक नॉर्मल इंसान की तरह फाइट करेगा, सब कुछ करेगा, तो इट्स अ रियलिस्टिक मूवी यू कैन से। मुंबई में रिलेट क्यों हुई मूवी है? सिटी के लोग भी करेंगे, मैं कहता हूँ काफ़ी रिलेटेबल मूवी है, काफ़ी लो उस पर है कि हाँ ठीक है, जैसे लोकल में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, लोकल बंदे हैं तो आपको ऐसे ही सोचेंगे कि अगर मैं कुछ करूँगा तो ऐसे ही करूँगा, मेरे पास कोई वो पावर नहीं है कि मैं एकदम से ब्रूस ली बन जाऊँगा। कितने स्टार दोगे? 3.5 स्टार देंगे। थैंक यू। आई वुड से एवरेज मूवी, नॉट एन एक्सेप्शनल मूवी। हाउ वाज हर्षवर्धनस परफॉर्मेंस? अपार्ट फ्रॉम हर्षवर्धन, प्रियांशु वाज बेटर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप देखें मूवी को, इसमें प्रियांशु ने ऑलमोस्ट 30-40% मूवी में एक्ट किया है, बाकी हर्षवर्धन। आप एक्टिंग तभी जस्टिफाई कर सकते हैं जब आप बंदे का फेस देखें, उसके एक्सप्रेशन देखें, या पूरे टाइम उस बंदे ने मास्क पहना हुआ है। अगर उस बंदे ने खुद ने ही, हर्षवर्धन ने सारी एक्शंस खुद परफॉर्म किए हैं, देन आई कैन से यू नो ही हैज़ पुट काइंड ऑफ एफर्ट, यू नो ही ट्राई टू डू अ जस्टिस टू द कैरेक्टर। But again, when mask is there, yeah. Who is playing the character, who is playing the role, yes, you cannot say. And what about the superhero, since you're mentioning mask, do you think it was very justifiable? What about the concept? Justifiable, I would say current generation for youth, yes, it was justifiable. Even if you just see, you know, the way, you know, he learns martial arts and all, yeah. It was not like that, you know, in one go you learn. Yeah. You could see that, you know, he has committed many mistakes. Almost, see, it is from a Phantom production. You must have seen Pantera. So Pantera में भी वो बंदा शुरुआत में पिटेगा बहुत कुछ, तो ये भी वही हुआ है कि नॉर्मल इंसान है पिटेगा, सुपर हीरो ग्रेजुअली ऑल बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क ही विल टर्न इनटू अ सुपर हीरो। सोशल मैसेज, यस सर्टेनली। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, यस इट्स गुड। एंड हाउ मच वुड यू रेट? 2.5। थैंक यू। बड़ी the movie was fine and he could have performed better. I'll give it 2 out of 5. उतना नहीं कर पाए जितना वो कर सकते थे। भावेश जोशी, द रियल भावेश जोशी वॉज रियली गुड। हर्षवर्धन वॉज रियली गुड बट ही कुड हैव परफॉर्म बेटर, एज इन वो पोटेंशियल उनका रीच नहीं हो पा रहा था। डायरेक्शन वॉज गुड। आई से कि बेटर कर सकते थे, आई डोंट नो वो लाइफ चेंजिंग होगी या नहीं उनके। एक सोशल मैसेज दिया, सोशल मैसेज दिया। कितने स्ट्रॉन्गली वो सोशल मैसेज पहुंचा? उतना नहीं कनेक्ट कर पाए बट या द मैसेज वाज रियली गुड। स्टोरी लाइन की बात की जाए, स्टोरी लाइन वाज अ बिट इनकंप्लीट। देखना चाहेंगे फिल्म? नहीं, मैंने इंडिया में काफी सारे सुपर हीरोज के बारे में सुना है, उनसे कंपेयर करके क्या कहना चाहेंगे? उनसे तो बेटर थी। कितने स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? 2। थैंक यू सो मच। कैसी लगी फिल्म? अच्छी लगी, अच्छी है, एक नंबर। हर्षवर्धन की एक्टिंग के परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो परफॉर्मेंस थोड़ी वीक थी, नहीं मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मुझे। कितना रिलेट कर पाए आप कैरेक्टर से? बात करें मुंबई की स्टोरी है, हाँ कितना रिलेट कर पाए? मूवी में एक अच्छा सोशल मैसेज दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कितने स्ट्रॉन्गली वो सोशल मैसेज आप तक पहुँचा? नहीं, मूवी अच्छी है और मोटिवेट भी करती है लोगों को कि हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपने मतलब देश के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे ही तो कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ करना जरूरी होता है। तो वो हर्षवर्धन की रिसेंट की फिल्में देखी होंगी क्या?
हाँ मिल गया हर्षवर्धन हाँ ये मूवी डेफिनेटली डेफिनेटली करेगी अच्छी अच्छी मूवी सॉन्ग्स सॉन्ग तो एक अच्छा चुम्मे में चवन प्रात हाँ वो तो अच्छा है और मतलब वैसे सुने थे सॉन्ग वो उतना मजा नहीं आया बट मूवी में देख के रियली में सब सॉन्ग अच्छा लगा है एक्चुअली क्या है जिस फोर एंड हाफ हाँ फोर एंड हाफ जिस मूवी में क्या है कि हम हमारा भैया के कारण देखने आए थे हमारे भाई उससे अभी आ ही रहे हैं उनसे जरूर इंटरव्यू वो बॉम्बर का हमने काम किया है बॉम्बर का तो वो यहीं पर आ रहे हैं उनसे भी बात अभी आ रहे हैं ओके थैंक यू कैसी लगी फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है और जैसे मैंने वही कह रहा हूँ इट्स अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म एंड इट्स अ लॉजिकल फिल्म जितना हो सके उन्होंने लॉजिक रखा है फिल्म में एंड आई रियली लव द फिल्म लाइक अनलाइक द अदर इंडियन सुपर हीरो फिल्म जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता बट दिस इज अ जेन्युइन एफर्ट एंड आई लव्ड इट अच्छी फिल्म अच्छा उन्होंने अच्छा किया है फिर प्रियांशु पायनली जो उनके फ्रेंड बनते हैं हु इज प्लेड भावेश जोशी इन द फिल्म ही इज He's played it really nicely and then all the actors, the cast is really nice. Concept or direction ki baat ki jaye to kitna khare utar paya director I've always been a fan of Vikramaditya Motwani yes. like Lutera, Udaan, Trap, yes. sari film mein dekhi maine unki and I'm a huge fan of Phantom films vaise to yeah. Phantom ki sari film achhi hoti hai and this is like an add on to that it's a very good film I hope it makes a change and I hope it makes a change टू द सिनेमा लोग आके अच्छी फिल्में देखे सिर्फ कमर्शियली फिल्में नहीं होती यार इंडिपेंडेंट फिल्में भी अच्छी होती है तो आके सपोर्ट करना चाहिए ऐसी अच्छी फिल्मों को मुंबई की स्टोरी है इट्स अ वेरी तो मुंबई की स्टोरी है और मतलब इट्स अ वेरी सिटी बेस्ड फिल्म एज अ मुंबईकर इट वॉज अ वेरी रिलेटेबल फिल्म फॉर मी वही वाटर क्राइसिस यार जो मतलब हम सभी फेस कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे वे में उन्होंने दिखाया है एंड फोर आउट ऑफ फाइव फिल्म अच्छी थी काफ़ी एंटरटेनिंग थी और पूरी करप्शन के ऊपर बेस्ड है मूवी तो अच्छी थी हर्षवर्धन की परफॉर्मेंस ये देखिए मैंने पहली बार देखा है उनको और अच्छी है ठीक है और काम करेंगे तो अच्छा देखिए जैसे कि मुझे पता है कि ये हर्षवर्धन विक्रमादित्य मोटवानी जो उसके डायरेक्टर है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये yes, yes, तो अच्छे है स्टोरी अच्छी है और ठीक है डायरेक्शन भी अच्छा है सर का देखी हुई उनकी मूवी काफ़ी मैंने पहले देखने से मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था नहीं एक्सेप्ट नहीं किया मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा था क्योंकि कॉमेडी थी मूवी इंटरेस्टिंग थी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मूवी छोड़ रही है अच्छा था मूवी पूरी रिलेट कर रही थी हमसे हाँ बोल सकते हैं हो सकती है अच्छी हो सकती है क्या क्या सोशली मैसेज था सॉरी क्या कुछ सोशल मैसेज था फिल्म सोशल मैसेज तो मतलब करप्शन से हम लोगों को लड़ना चाहिए जो आम इंसान मतलब बैठ जाते जो बड़े लोगों के दबाव से तो उनसे डर के नहीं रहना चाहिए हमको करना चाहिए इसके लिए स्टेप बढ़ाने चाहिए फोर थैंक यू